हाउ टू एक्सपोर्ट इन इक्वेडर, इक्वेडर में हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। आगे हम मैप में भी बात करेंगे कि कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके हैं। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लें तो इक्वेडर कहाँ पर लोकेटेड है, सो बेसिकली आप यहाँ पे इंडिया है, ये देखिए यहाँ पे आप है, और ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिकन कंट्री जो मैंने पहले से यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री, ये देखिए साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि इक्वेडर के नाम से जाना जाता है। मैं एक्चुअल मैप में भी आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअल मैप में देखिए आप यहाँ पे इंडिया में है, ये इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, तो ये आप यहाँ पे इंडिया में है, और यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, पूरा यूनाइटेड स्टेट जहाँ पर है, और ये साउथ अमेरिका जैसे ब्राज़ील, पेरू हो गया, ये हो गया है ना। सो ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन में इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ पे पड़ता है साउथ अमेरिका। अगर मैं बात करूँ टॉप कंपिटिटर कंट्रीज़ कौन कौन सी जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेटर में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इक्वेटर कहाँ कहाँ से कितना इंपोर्ट कर रहा है, वो टॉप फाइव कौन सी इंपोर्टिंग कंट्री, यानी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सस्ता मटेरियल देने वाली कंट्री चाइना। चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये बात करूँ कि इक्वेटर चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है $4.94 बिलियन का एक बड़ा वैल्यू है, अच्छी खासी क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो सेकंड नंबर पे यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए से कितना इंपोर्ट कर रहा है इक्वेटर यूएसए एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। सो यूएसए से कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए से 5.16 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है इक्वेडर फ्रॉम यूएसए इनटू इक्वेडर। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं कि थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, थर्ड नंबर पे कोलंबिया आती है, कोलंबिया से कितना इंपोर्ट कर रहा है, कोलंबिया से 1.79 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है इक्वेडर। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं कि फोर्थ नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, तो फोर्थ नंबर पे साउथ कोरिया आता है, साउथ कोरिया से 1.09 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है इक्वेडर। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे पेरू आता है, जो कि वो भी साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू भी, तो पेरू से कितना इंपोर्ट कर रहा है, पेरू से 934 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है इक्वेडर। अगर मैं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बात करूं, उससे पहले बता, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके आते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बात करूं कि पेरू क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मिनरल ऑयल, मिनरल फ्यूल या वैक्स, बिटुमिनस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट टोटल इंपोर्ट कर रहा है 4.9 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 19% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेडर। इक्वेडर जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 19% तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करो कि सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल जो भी मैकेनिकल प्रोडक्ट है, मैकेनिकल फ्लोटिंग स्ट्रक्चर या मैकेनिकल कोई भी मशीनरी, गियरबॉक्स है, मैकेनिकल कोई भी पार्ट है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल पार्ट है, तो मैकेनिकल या मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट कितना इंपोर्ट कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है 2.6 बिलियन डॉलर का टोटल इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 10.16% वो मैकेनिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। अगर थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, हैवी व्हीकल हो गया या लाइट व्हीकल हो गया, टोटल व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स वो 2 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 7.9% ऑफ द टोटल
इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 7.9% तो वो व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर फोर्थ नंबर की बात करूँ तो फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर का अलग से हमारा वीडियो भी है, अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम इक्वेटर कितना इंपोर्ट कर रहा है। इक्वेटर इंपोर्ट कर रहा है 1.9 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 7.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 7.3% तो वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट कर ले रहा है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करो, फिफ्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो फिफ्थ नंबर पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है इक्वेटर, इक्वेटर इंपोर्ट कर रहा है 1.5 बिलियन US डॉलर का, 1.5 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दैट इज अराउंड 5.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 5.8% तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको FDA लगता है, और हिंदुस्तान में मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में मोर देन 5,000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, वो भी ओनली 2 स्टेट्स में, इंडिया के 2 स्टेट्स यानी गुजरात और हिमाचल प्रदेश। गुजरात और हिमाचल प्रदेश 2 ही स्टेट मिला के हमारे पास मोर देन 5,000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, जो कि आप दवाइयाँ मेडिसिन जो है अमेरिकन कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्री हो। किसी भी अमेरिकन कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको FDA अप्रूव्ड लाइसेंस यानी FDA का लाइसेंस चाहिए रहता है। FDA अप्रूव्ड यूनिट से ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी FDA का लाइसेंस वाली हमारे पास जो यूनिट है मोर देन 5,000 है इन 2 स्टेट्स ओनली, बाकी जगह भी आपको मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 6th नंबर की, 6th नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो 6th नंबर पे आता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। वो भी मैं बता दूं, गुजरात में मोर देन 5,000 GST रजिस्टर्ड फर्म्स हैं जो कि प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, लोकल में भी सेल कर रही है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती है। सो 40-50% कंपनीज ऐसी जो कि लोकल में काम कर रही है, और 60% के आसपास ऐसी कंपनीज है जो कि इसका एक्सपोर्ट भी कर रही है, तो उनसे लेके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है, इक्वेटर इंपोर्ट कर रहा है 1.4 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 5.4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 5.4% तो वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ले रहा है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर 7th नंबर की बात करें, 7th नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, 7th नंबर पे आता है फूड इंडस्ट्री वेस्ट। यस, आपने सही सुना, फूड इंडस्ट्री वेस्ट का भी वो इंपोर्ट करता है। फूड इंडस्ट्री वेस्ट इक्वेटर कितना इंपोर्ट कर रहा है, इक्वेटर इंपोर्ट करता है 1.2 बिलियन US डॉलर का, 1.2 बिलियन यूएस का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 4.5% तो वो इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री वेस्ट इंपोर्ट करता है, उसका अलग अलग प्रोडक्ट वो बनाता है, गैस बनाता है, पावर बनाता है, उससे एनर्जी बनती है। सो बेसिकली अगर मैं 8th नंबर की बात करूँ, 8th नंबर पर कौन सा प्रोडक्ट आता है, सो 8th नंबर पर आता है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील वो कितना इंपोर्ट करता है, इक्वेटर आयरन एंड स्टील इंपोर्ट करता है 1.1 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 4.2% तो वो आयरन एंड स्टील ही इंपोर्ट कर ले रहा है। सॉरी, अगर 9th नंबर की बात करें कि 9th नंबर पर कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो 9th नंबर पर आता है केमिकल्स। केमिकल इंपोर्ट कर रहा है, केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है इक्वेटर, इक्वेटर केमिकल इंपोर्ट कर रहा है 592 मिलियन US डॉलर का, 592 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 2.2% तो वो केमिकल इंपोर्ट कर रहा है। अगर 10th नंबर की बात करो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, गेहूं, चावल या बाजरा, मीट वगैरह जो भी सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, सीरियल्स देखिए वो 578 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ इक्वेटर। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूँ, अग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है अग इक्वेटर के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी भी अच्छी खासी है, 115 यानी 115.09 बिलियन US डॉलर का टोटल इकोनॉमी है। और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं, 1.8 करोड़ का ही टोटल पॉपुलेशन है।
पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, पर कैपिटा इनकम 6,368 यूएस डॉलर का पर कैपिटा इनकम है, जो कि लगभग आता है जो हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम है 2,500 यूएस डॉलर है। अगर उसको रुपीस में बात करें तो 5.27 का बेसिकली पर कैपिटा इनकम है। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6.7% का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां की जीडीपी में। इंडस्ट्री 32.9% का कंट्रीब्यूट कर रही है और सर्विस इंडस्ट्री जबरदस्त काम कर रही है, 60% का कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं बात करूं टोटल कितना एक्सपोर्ट करता है, टोटल 22.18 बिलियन इस डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करता है, टोटल इंपोर्ट 23.09 बिलियन इस डॉलर का करता है। अगर मैं बात करूं इक्वेटर में स्पेनिश लैंग्वेज चलती है, अगर मैं बात करूं करेंसी की तो यूएस डॉलर चलता है जो कि 82.86 INR के बराबर है जो अभी का करंट रेट चल रहा है। अगर मैं कैपिटल की बात करूं कि तो क्यूटो कैपिटल है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इक्वेटर में टारगेट करना चाहता है, हर एक उस इंडियन को आप इसको शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहते हैं, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट पर्सनली रिव्यू करता है, रीड करता हूं, उनको दिल की गहराइयों से अब उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.